क्वेश्चन नंबर फोर, चैप्टर नंबर टू, क्वेश्चन नंबर फोर. ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ अ पेपर इज 12.12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 2 by 3 सेंटीमीटर वाइड. यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 10 2 by 3 सेंटीमीटर लॉन्ग और 12 1 by 2 सेंटीमीटर वाइड. फाइंड इट्स पेरीमीटर. तो पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमारा रेक्टेंगुलर शीट है, रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं कैसे, उसका फॉर्मूला वी हैव ऑलरेडी सीन इन प्रीवियस स्टैंडर्ड. सो पेरीमीटर ऑफ क्या आएगा हमारा यहाँ पे, रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर शीट, 2 × L + B, इट इज अ फॉर्मूला, लेंथ प्लस ब्रेथ, और यू कैन से इट्स विड्थ, राइट. आप ब्रेथ भी कह सकते हो या विड्थ भी कह सकते हो. सो 2 × L, हमारा लेंथ कितना दिया हुआ है, 10 2 by 3 सेंटीमीटर प्लस 12 1 by 2 सेंटीमीटर, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट द मिक्स फ्रैक्शन इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. क्या हो जाएगा, 10 3 = 30, 30 + 2 = 32, 32 by 3, 12 2 = 24 + 1 = 25, 25 by 2. ये हमने क्या किया, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया. क्या किया हमने, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाया. नाउ अब हम क्या करेंगे, वी विल टेक द एलसीएम. इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे फॉर एडिंग, हमें इसका एडिशन करना है. सो 3 and 2, इसका एलसीएम क्या जाएगा, एलसीएम ऑफ 3 and 2 कितना आएगा, 6, राइट. तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 32 by 3 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर हमारा 6 आ जाए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 25 by 2. यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 32 × 2 = 4, 3 × 2 = 6, 64 by 6. यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 3 = 75, 2 3 = 6. यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2, डिनोमिनेटर सेम 6 एज इट इज, 64 + 75. यहाँ पे कितना दिया हुआ, 64 + 75. अब इसका हम ऐड करें अगर, तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 + 5 = 9 और 6 + 7 कितना हो जाएगा, 13. तो ये कितना आया हमारा यहाँ पे, 139 by 6. अब यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, 2 हमारा आउटसाइड दिया हुआ है, वो हमारा किस में होता है, यहाँ पे कुछ नहीं होता है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन में. तो क्या हो जाएगा, 2 by 1 हो जाएगा, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 by 1. सो 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो क्या आ जाएगा हमारा, 139 by 3. अब हम इसको क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, 3 3 4 = 12, ये क्या आ जाएगा, 1, 3 6 = 18, कितना आ जाएगा, 1. तो अब हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 एज इट इज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 46, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, 46 1 by 3 सेंटीमीटर. ये हमारा आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शेप. क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द पेरीमीटर्स ऑफ ट्राइंगल ए बी ई. यहाँ पे क्या है हमारा, ट्राइंगल ए बी ई, एंड सेकेंड क्या दिया, द रेक्टेंगल बी सी डी ई. इसका हमें क्या करना है, इन दोनों का हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है इन दिस फिगर, हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर. और उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है, कि ट्राइंगल और रेक्टेंगल में किसका हमारा पेरीमीटर है वो ज्यादा आएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी ई. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या आता है, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स. इन सब साइड्स का है उसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे सम करेंगे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 5 by 2 सेंटीमीटर प्लस 3 3 by 5 सेंटीमीटर प्लस 2 3 by 4 सेंटीमीटर, ठीक है. नाउ वी विल कन्वर्ट, यहाँ पे जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. 5 3 = 15 + 3 = 18 by 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 2 = 8 + 3 = 11, राइट. यहाँ पे कितना है हमारा, 2 3 by 4, सो 4 2 = 8 + 3 = 11, 11 by 4. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे,
एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा 2, 5 और 4, इसका एलसीएम लेना है। इस तरह से हम ले सकते हैं 2 1 2 5 एज इट इज आ जाएगा, 2 2 4 5 1 5 2 1 2, तो कितना आ जाएगा 2 5 and 2 5 4 20, ये हमारा कितना है एलसीएम हमारा 20 आया। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन सबको हम कन्वर्ट करेंगे 5 5 by 2, इसका हम 20 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 by 5 इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 5 4 20 होगा ना, फिर 11 by 4 इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तभी तो हमारा यहाँ पे 4 5 20 होगा। अब हमारा सारे डिनोमिनेटर 20 हो जाएंगे, 10 5 50, 18 4 72, 5 4 20, 11 5 55, 5 4 20, ठीक है। अब हमारा एलसीएम सब में सेम हो गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 50, डिनोमिनेटर सेम 20 रख दिया हमने, 50 न्यूमरेटर 50 72 और 55। अब इन सब का हम टोटल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 5 और 2 2 प्लस 5 कितना हो जाता है 7, 5 प्लस 7 12 12 प्लस 5 17, तो कितना आ जाएगा 177 by 20। अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे हम यहाँ पे 177 कितना आ जाएगा 2 8 16, सो 20 8 160, 7 minus 6 1 1 minus 1 0, तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे 20 20, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 20 20 8 160 plus 17 177, तो ये हमने जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसका हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। ये हमारा आ गया पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्या दिया हुआ रेक्टेंगल बी सी डी ई। नाउ वी विल फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बी सी डी ई, उसका फॉर्मूला है 2 into L plus B, 2 into L हमारा क्या दिया हुआ है 2 3 by 4, प्लस जो ब्रेथ है वो हमारा कितना दिया हुआ है, ब्रेथ हमारा 7 by 6 centimeter, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, वी विल कन्वर्ट इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 2 4 4 2 8 plus 3 11 11 by 4 और 7 by 6 एज इट इज, ये आ गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम क्या करेंगे इसको, इसका एलसीएम लेंगे, सो कितना आ जाएगा एलसीएम, पहले यहाँ पर हम इसका एलसीएम बताते हैं, 4 और 6, 2 2 4 2 3 6, 2 1 2 3 एज इट इज, 3 1 3, 2 multiplied by 2 multiplied by 3, 4 3 12, ये क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम। अब हमने यहाँ पे एलसीएम दिया है, सो 2, अब यहाँ पे 11 by 4, यहाँ पे हमें 12 चाहिए डिनोमिनेटर में, सो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 plus 7 by 6, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या है हमारा 2 by 3 by 3, तो 11 3 33, 4 3 12 7 2 14 by 12, यहाँ पे कितना हो जाएगा डिनोमिनेटर 12 एज इट इज, 33 plus 14 क्या हो जाएगा 3 plus 4 7, 3 plus 1 4, अब 2 1 2 2 6 12, क्या आया हमारा आंसर यहाँ पे 47 by 6। अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे 47 6 7 42, कितना आ जाएगा 7 minus 2, कितना आ जाएगा 5, 4 minus 4 0, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 6 7 42, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, ये आया हमारा पेरीमीटर ऑफ क्या आएगा रेक्टेंगल, 6 7 42 plus 5 47, सो हो गया 47 by 6, ये आ गया 7 5 by 6 पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बी सी डी ई। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी इज 8 17 by 20 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बी सी डी ई इक्वल टू
5/6 सेंटीमीटर। अब इसका हमें कंपैरिजन करना है, सो हम इसका जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था 177/20 और 47/6, इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। इन दोनों हमारा सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अब इसको हम क्या करेंगे, लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। तो वो लाइक फ्रैक्शंस में क्या हो जाएगा, 20 और 6, इन दोनों में क्या करें, 20 मल्टीप्लाई बाय 6 120 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर है उसको हम 120 बना देंगे, ठीक है। सो 177 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना आ जाएगा, 1062 डिवाइड बाय 120 47 और 47 मल्टीप्लाई बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 20, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 940 डिवाइड बाय 120। तो ये क्या आ जाएगा, अब हमारे हमारे जो लाइक फ्रैक्शंस बन गए। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा जो है वो क्या है, बड़ा नंबर है। वी कैन सी दैट 1062 इज ग्रेटर देन 940 बाय 120। सो ये क्या हो जाएगा, हमारा पेरीमीटर ऑफ किसका पेरीमीटर है, वो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी ई इज ग्रेटर देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बी सी डी ई, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, हमारा 870 इज ग्रेटर देन 7 5/6 सेंटीमीटर।